भुवन के बड़े भाई हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। पिछले दिन को मेरे घर से फोन आया कि तेरे भाई वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसकी जमानत भरा दे। पहले दिन फोन आया तेरा भाई वहाँ पहुँच गया। पहले दिन तो इतना ही पता था कि खाली मार रखा है। एक फोटो मेरे भाई ने मेरे को भेजी थी, इसके पास पता नहीं किसने भेजी थी। किसी ने 5:30-6 बजे का टाइम था, मैं अपने जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ था। फोटो मैंने, चलो मैंने सबसे पहले यही बोला था इसने गलत काम कर रखा, जमानत नहीं कराएंगे सर, हमने पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से इसको सजा देगा, फांसी देगी, जो उनका कानून बोले वो देगा। इससे हम मैंने इसकी जब दूसरे दिन क्या हुआ, मेरा भाई एक गलियाँ को मार्केट में जब सौ रुपये उसकी, तो ये उसके पास गए एक जमानत करा लो, उसका मेरे पास फोन आया, मैंने रिन्यू नहीं कराऊंगा जमानत, उसने गलत काम कर रखा है, थोड़ा आगे मैंने उसने गलत काम कर रखा है, मैं जमानत नहीं कराऊंगा। प्रशासन उसने जैसे उसने गलत कर रखा है उसको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने दूसरे के गाँव में जाके दूसरे की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है। सर मैंने डायरेक्ट ऑन द रिकॉर्ड ये सब बोला है पुलिस प्रशासन को। उसके बाद दूसरे बाद फिर एक मेरे वहीं पर उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उसके पास उनका मेरे पास फोन आया, अरे पुलिस थाने से फोन आ रहा है इसकी जमानत करा लो। मैंने बोल दिया इसने गलत काम कर रखे। हमको फिर भी ये नहीं बताया गया था कि इसकी भाई की सिचुएशन ऐसी है, पुलिस ने बताया नहीं कि हमें सर ये जमानत कराओ, बोले जमानत कराओ सर, ये नहीं बोले इसकी सिचुएशन ऐसी है। हम तो ये सोच रहे हैं इसने गलत काम करके साला सजा भुगतेगा। तो प्रशासन मेरे घर गया, पता नहीं एक फोन था मेरे पिताजी को, इन्होंने जोर जबरदस्ती करी मेरे पिताजी, एक पाँव उनके रोडे पड़े, दूसरे पाँव उनके छोटे, मेरी माँ है नहीं सर, वो मेंटली भी प्रॉब्लम, मेंटली क्या मतलब मानसिक तौर पे वो मतलब ऐसे हुआ है। तो ये मेरे घर गए, मेरे पिताजी को इन्होंने प्रेशर किया, चलो चलो जमानत कराओ जमानत, मेरे पिताजी का पहले मेरे पास बोला, मेरे मैं अपने अपने पिताजी से भी यही बोला कि जमानत नहीं होगी, इसने गलत काम कर रखे सर, मैंने जमानत। उसके बाद एक कन्या के धीरज जी के जोशी जी हैं, धनिया में रहते हैं, उन्होंने उनका मेरे पास फोन आया कि जमानत करा लो। मैंने गुरु इसने गलत काम कर रखे, जमानत नहीं होगी, प्रशासन सजा देगा, क्योंकि हमको उस समय तक इन्वॉल्व नहीं किया गया था कि तेरी भाई की सिचुएशन ऐसी है, हमको ऐसा बताया ही नहीं गया था, न मेरे घर में बताया गया था, न मेरे धनिया में भाई रहता है, किसी को मतलब ऐसी सूचना नहीं दी गई थी कि इसके भाई का, खाली हमको ये बताया गया था कि मार के इसको थाने में बंद कर, पहली बात। दूसरी बात यह है वो पुलिस कस्टडी में बंदा था, पुलिस कस्टडी में बंदा था, उसके बाद क्या हुआ, उसको इन्होंने बहुत मारा, चलो ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसको धौला देवी रेफर क्यों नहीं किया, एक इंजेक्शन लगा के फिर ला गए, अगर वहाँ डॉक्टर साहब को भी पता था कि इसकी सिचुएशन ऐसी है तो इन्होंने उसको आगे रेफर क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी गलती डॉक्टर सर, इसमें डॉक्टर साहब और प्रशासन इसमें सब जवाबदार है, ये सब जवाबदार है सर, मतलब डॉक्टर साहब को पता था ऐसी नाजुक चोट है, ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने सर आगे रेफर बंदे को क्यों नहीं किया, हायर स्टेशन क्यों नहीं रेफर किया, उसको आगे क्यों रेफर नहीं किया, बंदा उनके पास उधर एम्बुलेंस है, ऐसी सरकार है सर, बहुत सी सारी सुविधाएं हैं पहाड़ में, ऐसा वापस क्यों ले आए वो बंदे, उसको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा के दंजे में, मतलब फिर क्यों थाने में लेके। और उसके बाद वो ये कौन होते हैं कि एक आधार कार्ड लेके आ जाओ जमानत करा के ले जाओ, एक आधार कार्ड में सर किसकी जमानत हुई, किसकी जमानत हुई, नहीं है एक आधार कार्ड में किसकी जमानत हुई, नहीं हुई ना। और दूसरी बात जमानत हमको करा देती ना सर, हम जाते ना थाने में, हम जाते सर, हम जाते, वो क्यों आए हमारे घर, हमारे हमको हम हमारे घर वो क्यों आए, इसमें पॉलिटिशियन दबाव है कहीं ना कहीं पे, हमको जाना था ना सर, हम आज भुवन जोशी करके एक 19 वर्षीय लड़का था जिसको भीड़ ने जो है बुरी तरीके से कुचल करके मार डाला। तो इस पर आज जो है मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उनके छोटे भाई है ना, उनके छोटे भाई गोकुल यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। तो गोकुल आप हमें बताएंगे किस बीच क्या क्या हुआ, आप पूरी घटना के बारे में आप जानकारी देंगे हमें। मैं उस टाइम घटना के समय हल्द्वानी में था, घटना के समय मैं यहाँ मौजूद नहीं था। जब घटना हुई उसके पश्चात दूसरे दिन मुझे कॉल आया मेरे घर से मेरे बड़े भाई का कि भाई उसे गया था वहाँ तो उसकी जमानत करवानी है किसी लड़की के चक्कर में। तो लड़की के चक्कर में जब गया था तो मैंने बोला भाई अगर मेरा भाई अगर ऐसा काम कर रहा है तो पुलिस उसको लाई है तो पुलिस उसको सजा दे, चाहे उसे फास्को में अंदर करे, चाहे उसको उम्र कैद करे, चाहे उसको 10 साल की सजा करे, उसे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सजा देना अगर उसने जुर्म किया है तो। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फोन आया कि भाई तू घर आ जा तेरे भाई की डेथ हो चुकी है, तो मैंने उससे जब पूछा कि मेरा भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने मुझे बताया नहीं कि तेरे भाई की डेथ हो चुकी है तू इधर आ जा, तो पुलिस मेरे घर
बार बार मेरे घर जाती सुबह से 9 बजे, दरोगा जी गए, पता नहीं कौन दरोगा जी गए, मेरे पिताजी से बोला उन्होंने कि आपका बेटा वहाँ बंद है, आप उसकी जमानत कराओ, जमानत कराओ। तो मेरे घर में बोला, तो मेरे पिताजी का हमारे लिए फोन आया, पहले मेरे बड़े भाई के लिए फोन आया, फिर मेरे लिए फोन आया, फिर बड़े भाई का मेरे लिए फोन आया, तो उसने बोला कि भाई की जमानत करानी है, ऐसे ऐसे केस में अंदर हुआ है। मैंने बोला देख भाई, अगर हमारा भाई गलत है, किसी की लड़की के साथ ऐसा कर रहा है, तो हम उसकी जमानत नहीं कराएंगे, तो उनसे बोल देना कि जमानत नहीं कराएंगे, आप कुछ जो करना है अपनी कार्रवाई करो, ठीक है भैया। उसने उन्होंने अपना काम किया, वो चले गए। फिर दोबारा आए बल मेरे घर में कि बोले कि भैया आप उसकी जमानत करवाओ। बार बार हमको फोन आ रहे थे मेरे घर में, मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पैर दोनों पैर में उनके। उसके बाद बोले कि चलो हम आपको उठा के जाएंगे, वहाँ उसकी जमानत कराओ। देखो भैया, अगर जमानत करवानी थी तो उतनी प्रेशर पर क्यों करवा रहे थे, आखिर हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। और उसके बाद जब मैं घर को आ रहा था, तो मेरे को रास्ते में बहुत सारी वीडियो आने लगी। उसके बाद जब हमें पता चला, वीडियो ऐसी ऐसी आ रही थी कि पूरा गांव मिलके मार रहा था। और उसके बाद जब मुझे एक वीडियो मिली, कि उस वीडियो में वो मेरे भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कोई न्यूज एजेंसी वाला उसका इंटरव्यू ले रहा है, उससे बोल रहे हैं, और लड़की से बोल रहे हैं कि लड़की की फोटो मत दिखाना, इसे उसका इंटरव्यू लिया, वो सीधे बोल रहा है कि भाई इसकी माँ ने और इसने मुझे बुलाया था। असल में यही है कि उसकी माँ ने और उसने बुलाया था उसे। वो सारी रिकॉर्डिंग उसके फोन पर पड़ी है, उसके साथ जो जसप्रीत गवाह है उसके पास भी पड़ी है। उसकी लड़की ने उसे बुलाया, तो वहाँ आके उसको मुकर गई, बोले कि भैया मैं इसको जानती नहीं हूँ, बोले कि उससे पहले से उसका लव था, लव के चक्कर में उसने उसको मरवा दिया। जब वो गांव में पहुँचा तो उससे मिलने आई, अगर उसका घर जहाँ सलपड़ स्कूल पर मेरे भाई को मारा गया, उससे उसका घर कुछ भी नहीं तो 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, ठीक है। अगर उस लड़की उसको जानती नहीं थी तो वो सलपड़ स्कूल पर क्यों आई? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए दनिया पुलिस से, जो दनिया पुलिस आज हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर किसके दबाव में कर रही है। मैं हम तो यही चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो कातिल है वो एक भी ना बचे, उन्होंने मार रखे वो सब बंद हो, और अभी तक बंद नहीं हो पाए। तो यहाँ पर मृतक के भाई का कहना है कि जो दनिया पुलिस उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, और वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, और मृतक के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इसके साथ साथ इनका मानना है कि जो मृतक था, मृतक की मृत्यु जो है पुलिस कस्टडी में हुई है, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आखिर पुलिस कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति की जब हिरासत में है तो कैसे मृत्यु हुई? क्या पुलिस प्रशासन के पास जो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वक्त नहीं था? क्या पुलिस प्रशासन को के पास जो है क्या पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जो है एक तरीके से उनके कान में जूं तक नहीं रहेगी? ये जो है बहुत बड़ा सवाल है हम सब लोगों के लिए। एक मॉब लीचिंग का केस यहाँ पे हुआ है, और जिसमें कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, मृतक के भाइयों के द्वारा, उनके सगे संबंधियों के द्वारा, कि उनके द्वारा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है, और पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो है दनिया पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी मौत के लिए ऐसा इनका मानना है, और पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हुई है जैसा कि इनका मानना है। अगर 4 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो हम आंदोलन के लिए धरना देंगे पूरे एक गांव नहीं। और इसमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। अगर पहले मामले को दबाने की कोशिश की, बिल्कुल ने दनिया का क्या किया कि जैसे बिल्कुल उस युवक की मौत होती है तो वहाँ पर वहाँ के एसओजी साहब यहाँ के 107 लोग देवरानी जी वहाँ से आते हैं और अपने पुलिस वाले से बोलते हैं कोई बात नहीं ऐसा बोलना कि इसकी मौत बीमारी से होगी है। ये मामला दवाई क्यों जा रहा है? बीमारी थी नहीं पर और कोई बीमारी नहीं थी। जिसको मार रखा है शादी में जिंदा है, और जिसे मारा गया वो हमारे साथ में यहाँ पर दबा है। और ये मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर राइज किया, और इनकी चोट भी दिखा सकते हो चोटी। कहीं ना कहीं हमारे भाई को 3 से 4 घंटे मारा गया है, पूरे 3 घंटे मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी 302 धारा नहीं लगाई जा रही है। जबकि हमने अपने वकील से पूछा कि उन्होंने बोला कि 302 लग सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने तो अपने भाई को खोया है, अगर हम 3 दिन का अल्टीमेटम धनिया पुलिस को देते हैं, अगर ये लोग हमारा अभी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, जो जिन लोगों को पकड़ा है 4 लोगों को, मारने वाला पूरा गाँव है, जिन्होंने मारा है उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं, तो हम 3 दिन के अंदर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे, और हम जितने जैसे अपने भाई को जस्टिस मिलेगा उसके लिए हम लड़ाई करेंगे।